हे गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज इन खूबसूरत वादियों में आपका स्वागत है फिर दोबारा से। आज है डे टू। तो यार अगर आप रात की बात करोगे तो बहुत अच्छी नींद आ रही थी या आ सकती थी, ऐसे कुछ आ सकती थी, आ सकती थी ठीक है ना, बट इतनी अच्छी नींद आई नहीं ठीक है ना। थैंक्स टू ऑल, यहाँ पे कुछ बॉयज़ थे ठीक है ना, वो जो यहाँ पे अपना सब कुछ सेटअप करके बैठे हुए थे, उनकी वजह से हमारे को बहुत अच्छी नींद आ सकती थी बट वो नहीं आई उनकी वजह से। तो इसलिए उनको थैंक यू। और अगर ऐसा आप भी करते हो तो प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि दूसरे बंदे भी यहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं। साधुपुल एक वो जगह है जो बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है ठीक है ना। लोकेशन ये कैसे बनी क्यों बनी शायद इसका प्रशांत भाई आंसर देंगे। प्रशांत भाई बताओ साधुपुल कैसे हुआ? ये था कि यहाँ से चहल का पुल है, चहल का रास्ता है चहल जाने का, तो चहल थोड़ी सी फेमस जगह है। तो चहल का जब पुल टूट गया था तो एक कच्चा रास्ता बना था जो उस तरफ से आता था, और नदी के ऊपर टेम्परेरी पुल बना हुआ था। वो शायद वो देख रहे होंगे, अब वो वहाँ पे दिख रहा है हल्का सा अभी उसका स्ट्रक्चर, वहाँ पर बल्ली सी जो रखी हुई। हाँ तो वो जो है तो वो टेम्परेरी पुल था, वहाँ से गाड़ियाँ आती थी या अच्छा। बसेज वगैरह जो भी आती थी वो यहाँ से इधर से आके और फिर इधर से चढ़ने का रास्ता था। अच्छा, तो इधर से ऊपर चढ़ती थी। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे जब वो इधर से आना शुरू हुआ तो यहाँ पे लोगों ने देखा कि यार ये तो बड़ा अच्छा सा स्पॉट है, तो पिकनिक स्पॉट है, तो यहाँ पे ये खुलने शुरू हो गए। तो जब हम पहली बार आए थे तो शायद एक या दो कोई कॉटेजेस थे और बाकी सारा कुछ खाली था। ये होटल हमारे सामने होटल है, वो वाला होटल है, उसके साथ में एक कॉटेज है, ये वाला जिसमें हम रुके हुए हैं ये भी कॉटेज है, उसके पीछे भी एक और कॉटेज है और यहाँ पे भी एक कॉटेज है। तो ये सब बाद में बने, बहुत बढ़िया था। उसके कुछ पुराने शॉट्स होंगे तो हम शायद दिखा सकते हैं। तो 5 साल में क्या क्या चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। बहुत अच्छी जगह है यार ये, मतलब अगेन आई एम सेइंग आपने वो स्टार्टिंग की क्लिप देख ली होगी। सो यार इस खूबसूरती को बने रहने दो और ख़राब मत करो यार। अगर आप कुछ भी सामान लेके आ रहे हो खाने पीने का, गाड़ी में डस्टबिन पॉली बैग रखो ठीक है ना, उसके अंदर सब कुछ डाल लो और अपना लेके जाओ। अभी जहाँ पे भी डस्टबिन देखे, वैसे डस्टबिन यहाँ पे भी है, डस्टबिन यहाँ पे भी, बट अगर आपको यहाँ पे डालने का किसी का मन नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी के अंदर आप रखो सामान रखो यार, उसके अंदर डालो यार। डन गाइस। तो चलो गाइस आज का दिन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज क्या क्या होने वाला, क्या क्या करेंगे। घर जाना है यहाँ से, अभी कहीं और भी जाएंगे नहीं जाएंगे तो ये सब अब आपको आने वाले टाइम में पता लग जाएगा, क्योंकि सडन प्लान बनते हैं हमारे, आपको पता ही है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली दिस इज आवर कॉटेज। सो आपको थोड़ा यार अभी मॉर्निंग में रूम टूर दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक, यहाँ पे डबल बेड है, फैन यहाँ पे लगाया हुआ था क्योंकि सीलिंग फैन है नहीं, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं हमारे को फ्रेंकली रात में, जस्ट बिकॉज ऑफ फिर रात में रूम बहुत ठंडा हो गया था। एंड ऑफकोर्स जिसके लिए वॉशरूम बहुत बड़ा है मगर मेरे लग गई। हाँ बाबू मेरे वहीं पे ही रखी है, वो मैंने बैग में डाल दी। सो दिस इज आवर रूम, कॉटेज, हट, आप जो मर्जी बोलो आप इसको, ठीक है। कॉस्टिंग वाइज और इसके अकॉर्डिंग भी ठीक है, सब ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एंड कम टू दिस प्लेस। ऐसे इसके साथ में बहुत सारे हैं, 1, 2, 3, 4 इजी की ही लाइन से। So it's time to leave this beautiful place. मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे सेल्डिंग करके बुलेट भाई। जगह बहुत अच्छी है यार, बट मैं यही बोलूँगा, बट इसके बाद में क्या है कैसे है वो तो शायद आप लोगों पर, हम लोगों पर डिपेंड करता है कि उसको कितना साफ रखना है, कितना साफ नहीं रख सकते हम, क्योंकि इतना कर इतनी अच्छी जगह है तो यार इसको साफ रखना भी हमारा ही काम है। अगर आप देखोगे तो ये है पूरा साधुपुल और हम जो बैठे थे हम वहां पे बैठे थे, देखो तो
बेसिकली अगर आप जाओगे वहाँ से, जब आते हो फ्लाईओवर से, तो ये साधु पुल का पूरा रास्ता आता है, ये वाला, ये पूरा साधु पुल है यहाँ से वहाँ तक का। और जो अभी हम जब मॉर्निंग में जो बात कर रहे थे, वो फ्लाईओवर वहाँ पे था जो टूट गया था, तो फिर वो यहाँ से चेन चला दी थी यहाँ से चलने के लिए। तो ये अभी लोकलाइज्ड बस गए ज़्यादा, तो अब बस वही हो गया। सो अभी यार हमने यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फोटोज लिए हैं यहाँ पे। अगर आपको फोटो देखनी है वहाँ पे जाके, तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी वे ये नीचे, और वैसे है manoj_singh_14, सिंपल सी आईडी है। वहाँ पे जाओ, देखो फोटो अच्छी लगती है तो लाइक करो, फॉलो कर लो, दैट्स इट। तो अभी हम निकल रहे हैं साधु पुल से। लिख करके फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे ही है, एंड दिस इज़ दी लोकल ब्रांड जो यहीं के लोगों के लिए बहुत अभी फेमस है। फर्स्ट एंड सेकंड, सबसे पहले जो ये जाती थी, ये आर्मी के लिए जाती थी, हिमाचल की वाली ब्रांड, बट अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे भी। पहले तो सिर्फ आर्मी वालों के लिए बनती थी, बट अब हर किसी के लिए बनती है। इन्फो थी सिर्फ, ऐसे ही पता था इसलिए बता दिया, नहीं पता होता तो हम भी चलते रहते। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. So guys, अभी दिस इज़ आर फर्स्ट हॉल्ट आफ्टर साधु पुल। साधु पुल से अभी तक हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 से 80 किलोमीटर कर दिए हैं। 11:30-12 के करीब हम चले थे, टाइम अभी यहाँ पे हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। मौसम आपको मेरे ख्याल से पीछे से दिख रहा होगा, बहुत अच्छा हो रहा है। और हम यहाँ पे ढाबा, एक शर्मा ढाबा करके है, ठीक है ना, वहाँ पे आपको दिख रहा नाम शर्मा ढाबा करके है। ढाबा अच्छा है, दाल अच्छी है, खाना वाना मतलब सब अच्छा है। सो मैंने बोला यार खाने की क्या बनाऊँगा, क्योंकि पहले से वहाँ से थके हुए आ रहे थे, क्योंकि टाइम बहुत लग गया था। हमने बीच में फोटोशूट भी किया था, और फोटोशूट की सही याद आया यार, अगर अभी तक किसी ने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो वहाँ पे जाके कर लो, वहाँ पे बहुत सही सही फोटो डाल रखे अभी हमने, ठीक है। प्रशांत भाई की आईडी फॉलो मैं नीचे डाल दूँगा, तो वहाँ पे जाके प्रशांत भाई को भी फॉलो कर सकते हो। एंड बस यही है यार, अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपको फिर दोबारा से अपनी जर्नी के साथ कंटिन्यू करते हैं यार। चलो कंटिन्यू करते हैं। दोपहर से चलाते चलाते शाम भी हो गई है, दोपहर से तो नहीं बोलूँगा, सुबह ही बोलूँगा, 11:30-11 के करीब निकल गए थे वहाँ से चलाते चलाते, शाम हो गई है, टाइम हो रहा है 6। और जब उस गांव के जाम से निकले तो अब जाके फ्री हुए हैं। ओहो, तो बस भाई अभी यही चल रहा है, बाकी सब बढ़िया। अमरीक सुखदेव, और वहाँ से सुखदेव से थोड़ा सा और आगे चल के हम रुकते हैं किसी ढाबे, आपके साइड में रुकते हैं, क्योंकि अभी वो टाइम आ गया है यार कि जो राइडिंग का मेरे ख्याल से किसी भी राइडर को वो अच्छा नहीं लगता कि अभी इस ब्यूटीफुल जर्नी का एंड हो रहा है अभी एज ऑफ नाउ के लिए, क्योंकि सबको अब अपने यहाँ से घर पर निकलना है अब। तो अभी सबके साथ में वही मिलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं, मिलाते हैं सबसे। तो बस चलो कहीं साइड में रुकते हैं गाड़ी को। तो यार अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे हम रुक क्यों गए हैं सारे के सारे, तो यार आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी। गुड न्यूज़ है कि अमरीक सुखदेव जो है वो खुल चुका है, ठीक है, जो सा पार्ट एक्चुअली में वो खुल तो चुका है, बट जाना नहीं जाना दैट्स ऑल अप टू यू गाइस। अभी हम एग्जैक्ट अमरीक सुखदेव अगर आप देखेंगे तो लोकेशन उसकी वहाँ पे सही है, ठीक है ना, और हम जस्ट के अभी और पॉजिटिव खड़े हैं, ठीक है। तो अभी ये ऑलमोस्ट इस
ब्यूटीफुल जर्नी का एंड है अभी एज ऑफ नाउ के लिए, राइट, क्योंकि अभी सब यहाँ से डाइवर्जन ले लेंगे अपने अपने घर के लिए। सो प्रशांत भाई जाएंगे अपने और वरुण अपने और थॉमस अपने और एंड दिस यंग राइडर ऑफकोर्स विद थॉमस। सो यार अभी हम सब अपने अपने डाइवर्जन लेने वाले हैं, तो इस ब्यूटीफुल जर्नी का हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यार आपको ये 2 दिन की तो जर्नी है बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आपको पता है यार क्या करना है, यहाँ तक वैसे देख लिया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल दिस एमेजॉन हाईवे। तो यार चलो प्रशांत भाई, इस 2 दिन की जर्नी का एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो यार एक्सपीरियंस था। देखो राइड हमने बहुत अच्छी भी करी है। रात वाला जो 2 घंटे का हमारा जो स्ट्रेस था ना, बहुत मतलब क्या बताऊँ, ट्रैफिक वाला सही था उसके लिए क्या बोलोगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं यार एक्सपीरियंस होता है सारी चीज़ें। अब आप बाइक चला रहे हो तो आप ये सोचो कि बिल्कुल खाली लोड रोड मिले, आप भगाते हुए जाओ और भगाते हुए आ जाओ, वॉट इज़ द फन। ये भी बात, तो फन तो तभी है ना जब आप ट्रैफिक में भी जाते हो, आप उसमें भी जाते हो, तभी तो आपको पता लगता है, आपकी एंड्योरेंस पता लगती है कि भाई आप कितना चला सकते हो, किस हालत में चला सकते हो। ये बात भी। चलो यार आप वरुण से बात करते हो, वरुण से स्पेशली बात करेंगे, हाउ इज़ यू फील नाउ, बताओ भाई वरुण कैसा लगा, कैसा लगा ओवरऑल। अगर मैं अमेजिंग जर्नी, अमेजिंग पीपल एंड अमेजिंग ग्रुप। डन थॉमस भाजी, बहुत बढ़िया, एक बैलेंस राइड, अर्ली मॉर्निंग से शुरू हुई थी राइड, हर तरह का हमने टेरेन देखा, हर तरह का हमने वेदर देखा, धूप चढ़ती हुई धूप से लेकर बादलों के बीच से निकल के और जब रिवर में पहुंचे तो एक सुकून मिला था बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और जो म्यूजिक एंजॉय करा हमने पूरी रात, अब मैं आधा मलयाली से पंजाबी हो चुका हूँ, इतना पंजाबी म्यूजिक सुन चुका हूँ, मतलब पंजाबी भी हो गई है। तो यार अब वेलकम करते हैं मतलब इस वाले बंदे का, ठीक है, जो बॉस न्यू मेंबर ऑफ द ग्रुप 13 ईयर ओल्ड राइडर कह सकते हो आप इसको। हाँ भाई कैसा लगा बता। बढ़िया, ऑसम जर्नी, ऑसम जर्नी थी, स्मेल आई कुछ कुछ। चलो कोई बात नहीं गाइस, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगेन आई एम सेइंग आपको अगर अच्छी लगी तो जस्ट गिव इट थम्स अप। गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।